हाल के सालों में युवाओं में हार्ट अटैक के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। महानगरों में हार्ट अटैक युवाओं को तेजी से अपनी गिरफ्त में ले रहा है। मुंबई में सालाना होने वाली मौत में 25% मामले हार्ट अटैक से जुड़े हुए हैं। देश भर में भी हार्ट से जुड़ी बीमारियों से मरने वालों के भी यही आंकड़े हैं। हार्ट के युवा मरीज कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं, इसकी एक बानगी मुंबई के जुपिटर हॉस्पिटल में देखी जा सकती है, जहां 2020 में 40 साल से कम उम्र के एंजियोप्लास्टी कराने वाले मरीजों की संख्या 116 थी, वहीं 2021 में ये आंकड़ा बढ़कर 168 हो गया है। इंडियन हार्ट एसोसिएशन के मुताबिक हार्ट अटैक की जद में आने वाले 25% लोग 40 साल से कम उम्र के लोग हैं, जबकि 50 साल से कम उम्र वालों में ये आंकड़ा 50% है। डॉक्टरों ने इसके लिए युवाओं में शराब और स्मोकिंग की लत के साथ तनाव को जिम्मेदार माना है। युवाओं में मोटापा भी दिल की बीमारी की एक बड़ी वजह है। ओबेसिटी के चलते स्लीप डिसऑर्डर, शुगर और हाइपरटेंशन का खतरा बढ़ जाता है। इन लोगों में भी हार्ट अटैक का खतरा ज्यादा होता है, जो फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम करते हैं। पहले हार्ट अटैक के लक्षणों को समझते हैं। सीने में भारीपन और खिंचाव, इसका पहला लक्षण है। ज्यादातर हार्ट अटैक में क्लियर कट पेन नहीं होता, बस छाती में खिंचाव और भारीपन रहता है। दूसरा, अगर आपको दौड़ने, चलने या सीढ़ियों से उतरने या चढ़ने में सांस फूलती है, तो ये भी हार्ट अटैक के लक्षण है। अगर आपको लगता है कि दिल की धड़कन असामान्य रूप से बढ़ रही है, जब भी आप थक जाते हैं तो तेजी से पसीना आता है, तो ये भी हार्ट अटैक के संकेत हैं। बार बार चक्कर आना या बेहोश होना भी हार्ट संबंधी दिक्कत या स्ट्रोक की तरफ इशारा करता है। हार्ट अटैक से मौत के आंकड़े साल दर साल बढ़ रहे हैं। भारत में हर साल करीब 98 लाख लोगों की मौत होती है। इसमें से 25 से 30 लाख लोगों की मौत हार्ट से जुड़ी बीमारी के चलते होती है। ऐसे में युवाओं को अगर खुद को दिल की बीमारियों से दूर रखना है, तो इसके लिए नियमित रूप से एक्सरसाइज करने, हेल्दी खाने और एक्टिव रहने की जरूरत है, ताकि अच्छी सेहत से खुद को हार्ट की बीमारी से दूर रखा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।